हम रोज एक दूसरे के खिलाफ मुंह मारी ना करें, जूरी बनाएं। बहुत सारे लोग हैं मगर चंद नाम, मैं सिर्फ चंद नाम, वो ऑल्टरनेट हों, मुजीब रहमान शामी साहब जैसे लोग, कामरान खान साहब, नसीम ज़ायरा साहब, तलत हुसैन साहब, सोहेल वड़ाई साहब, मैंने बहुत, हारून रशीद साहब, हसन इसार साहब, क्लासरा साहब, मज़हर अब्बास, हामिद अली, सलीम साफी, बहुत सारे मैंने नाम लिखे हैं। जूरी फैसला करें। जब ये प्रोग्राम खत्म हो कि इन्होंने इल्ज़ाम लगाया, ये प्रूफ, इन्होंने इल्ज़ाम लगाया, ये प्रूफ। एक बहुत जिम्मेवार आदमी आए, उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी और आप में सुलह हो सकती है। उन्होंने कहा जी एक तो अयान अली का केस वापस लें और दूसरा डॉक्टर आसिम की जमानत होने दें। खुदा के लिए मुझे बताओ, हमें कुछ बता दें, मुझे तो कुछ थोड़ा बहुत पता है, मगर ये हम हुकूमत को बता दें कि आपका अयान अली से तल्लक क्या है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम नाइट एडिशन और मैं हूं आपकी मेज़बान शाजिया ज़ीशान। नाज़रीन, आज वफाकी वज़ीरे दाखला चौधरी निसार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर ताबड़तोड़ हमले किए और ख़ुद पर लगे इल्ज़ामात के जवाब में पीपल्स पार्टी रहनुमाओं को सरकर्दा सहाफ़ियों की मौजूदगी में मनाज़रे का भी चैलेंज दे डाला। साथ साथ ये राज भी खोल दिया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हुकूमत से दोस्ती की दो शरायत रखी थी कि डॉक्टर आसिम की ज़मानत होने दी जाए और अयान अली को वापस जाने दिया जाए। यहाँ चौधरी निसार ने बराह रास्त सवाल भी किया कि आखिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अयान अली से ताल्लुक है क्या, जो उनकी जमानत के लिए यूं ज़मीन और आसमान एक कर दिए गए। और वो ये कि अयान अली केस लतीफ़ खोसा मुफ्त में आखिर क्यों लड़ रहे हैं, जो गरीब आदमी का केस लड़ने के लिए उसकी खाल तक उतार लेते हैं। याद रहे कि क्वेटा धमाके के बाद कौमी असम्बली के इजलास में चौधरी निसार और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान एक चपकलिश शुरू हुई थी, जिस पर एतजाज एहसन और खुर्शीद शाह ने इल्ज़ाम लगाया था कि नेशनल एक्शन प्लान की नाकामी की जिम्मेदारी वजारत दाखिला पर आयद होती है। इस इल्ज़ाम के जवाब में फिर चौधरी निसार ने कहा कि नेशनल एक्शन प्लान के सिर्फ चार निकात वजारत दाखिला के ज़ेर तहत आते हैं, जबकि बाकी निकात पर जिम्मेदारी का काम सूबों का है, सूबों ने काम करना है। अब यहाँ पर सवाल यह है कि क्वेटा धमाके के नतीजे में हम एक ही दिन में 70 लाशें उठा रहे हैं। आर्मी चीफ ये कह रहे हैं कि सुस्त रवि के बायस नेशनल एक्शन प्लान मुतासर हुआ और हमें मुतहद होने की ज़रूरत है। तो दूसरी जानब सियासतदान जो है ये मुल्की मफाद की बजाय ज़ातियात और इल्ज़ाम की सियासत आखिर क्यों कर रहे हैं। एक जानब ये खबरें आती हैं कि इसहाक डार दुबई में आसिफ जरदारी से मुलाकात कर आए हैं, तो दूसरी जानब चौधरी निसार उन पर फिर सख्त तनकीद भी कर रहे हैं। तो क्या वज़ीर दाखिला अपने ही वज़ीर आज़म की पॉलिसीज के खिलाफ जा रहे हैं? मौजूदा मंजरनामा है, मौजूदा मुल्की सियासी हालात में ये किस तरफ जाएगा, इस पर आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे। रऊफ़ क्लासेस अब हमें वॉशिंगटन से ज्वाइन कर रहे हैं, जो इस वक्त अमेरिका में मौजूद हैं। ज़फ़री लाल साहब कराची से ज्वाइन कर रहे हैं और सेनेटर जनरल रिटायर्ड अब्दुल कयूम साहब हमें इस्लामाबाद से ज्वाइन कर रहे हैं, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा। रऊफ़ क्लासेस साहब, आपसे शुरू करती हूँ। क्वेटा हमले के बाद, क्वेटा धमाके के बाद तो ज़रूरत तो एक यकजहती की थी, सबके मुत्तहिद होने की ज़रूरत थी, लेकिन ये हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान एकदम फासले बढ़ने लगे। हुकूमत अपोजिशन पर ताबड़तोड़ हमले कर रही है। चौधरी निसार की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज उन्होंने पीपल्स पार्टी को आड़े हाथों लिया कि सरे महल का जो $6 मिलियन थे किसके अकाउंट में गए, नेकलेस किसके पास गया, मीटर रीटर इस मकाम तक कैसे पहुँचा, आखिर क्वेटा हमले के बाद ये ज़ातियात पर हमले क्यों किए जा रहे हैं? शाजिया, मेरा यह ख्याल है, बहुत सारे लोग नहीं एग्री करेंगे, शायद आप भी ना करें, मेरे दोस्त जना कयूम साहब हूँ या ज़फ़र हिलाली साहब, शायद उनका पॉइंट ऑफ व्यू अपना हो। अपोजिशन की और हुकूमत की दोस्ती नहीं होनी चाहिए। वो देहाती लोग हैं, हमारे यहाँ कहा जाता है कि जो अच्छा मालिक होता है वो अपने मुलाजमीन को लड़ा के रखता है। अगर आपके मुलाजमीन घर में नहीं लड़ रहे तो इसका मतलब है आपके घर पर डाका पड़ रहा है, कोई ना कोई फिर मिल के मुलाजमीन वारदात डाल रहे हैं और एक दूसरे की तारीफें कर रहे हैं, एक दूसरे को छुपा रहे हैं। लिहाजा वो घर सुनना ज़्यादा बेहतर होते हैं जहाँ के दो चार मुलाजमीन एक दूसरे की शिकायतें, एक दूसरे का मामला जो है वो साहब को बताते रहे, वो घर चोरी डाकुओं से बचा रहता है, मेरा ये ख्याल है। तो सेम इट गोज़ फॉर ये गवर्नमेंट एंड अपोजिशन।
अगर ये एक दूसरे के साथ या शीरो शक्कर हो जाएं, एक दूसरे के साथ गले लगना हो जाएं, एक दूसरे की तारीफें करना शुरू कर दें, जो कि करते रहे हैं, मैं उसमें भी थोड़ी सी बात करूंगा, तो इसका मतलब है कि वो फिर जो मामलात हैं, जो काम है अपोजिशन का, जो हुकूमत को टाइट कॉर्नर में रखे, उसके जो स्टेप्स हैं, उसकी नाकामियां हैं, उनको हाईलाइट करे, लोगों को बताए कि जिन लोगों को आपने वोट दिए थे, जिन लोगों को आपने आके पावर्स दी थी, तो वो लोग फलां फलां जिम्मेदारियां अपनी जो है अदा करने में नाकाम रहे हैं। ये इफेक्टिव अपोजिशन का रोल होता है। हुआ क्या है पाकिस्तान में कि 2008 के बाद जब जरदारी साहब ने नारा मारा था कि जनाब सुलह सफाई, माजी की गलतियां भूल जाएं, आपने लूटा, हमने लूटा, अब हम एक दूसरे को कुछ नहीं कहेंगे, आप पंजाब में खुल के खेलें, हम यहाँ सेंटर में खुल के खेलेंगे, उसका नुकसान हुआ है पाकिस्तान को, बड़े बुरे तरीके से नुकसान हुआ है। उस वक्त मीडिया और हम लोग यही वहां पे नबीन बजा रहे थे कि जी मुफाहमत होनी चाहिए, मुल्क खतरात में घिरा हुआ है, ये मसाइल है, टेररिज्म है, इकॉनमी तबाह है और बला बला। आप मुझे बताएं 2008 से आज 2016 हो गए, इनकी 8 साल की मुफाहमत से, इनकी दोस्ती से, इनकी रेकंसिलिएशन से आपको हमें इस मुल्क को क्या मिला है कि आज फिर एस्टेब्लिशमेंट का ये बयान आना वहां से कोर कमांडर्स की मीटिंग के बाद, या जो एक मैं कोर कमांडर्स की मीटिंग तो नहीं थी, खैर एक बड़े पैमाने पे जो जीएचक्यू में आज वहां सीनियर ऑफिसर्स का इजलास है, उनकी तरफ से एक तरह की चार्जशीट है ये हुकूमत के खिलाफ, जिसमें यह कहा गया है कि नेशनल एक्शन प्लान है उस पर सुस्त रवि का शिकार है, आपने इंप्लीमेंटेशन नहीं की। अब ये उंगलियां किस पे उठ रही हैं? दो इदारों पे उठ रही हैं, या वजीर आजम ऑफिस की तरफ उनका इशारा है, क्योंकि वजीर आजम जो हैं वो कहते हैं कैप्टन ऑफ द शिप हैं, बिल्कुल, अब वो अपनी ड्यूटी नहीं परफॉर्म कर सके, उन्होंने इंप्लीमेंटेशन नहीं किया, स्लो हुआ, वट एवर। एक दूसरी जिम्मेदारी आती है आपकी, आपकी वजारत दाखिला की तरफ इशारा जाएगा कि आप नेशनल एक्शन प्लान की एग्जीक्यूशन आपने करनी थी, आपने क्यों नहीं की, स्लो हुआ है, क्यों है। सो वो दोनों लड़ते रहे इख्तियारात के लिए, जब आपने फंड्स नहीं दिए, नेक्टा को आपने आके फाल नहीं किया, कोई बहुत बड़ा पावरफुल बंदा नहीं बनाया, नेक्टा पे 4 साल से उसका बोर्ड का इजलास नहीं हुआ, वजीर आजम को समरी भेजी जाती है, इजलास बुलाए, नेक्टा के जरिए ही बहुत सारी चीजें आपके नेशनल एक्शन प्लान की होनी है, तो ये फेल्योर साहब। अपोजिशन और हुकूमत की लड़ाई हमेशा मुल्की मफाद में होनी चाहिए, ना कि एक दूसरे की जातियात पर हमले की जाएं। ये तो एक दूसरे की जातियात पर, एक दूसरे की जात पर हमले करें, मुल्की मफाद की इसमें आपको क्या बात नजर आ रही है कि अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान जो है वो दोस्ती नहीं होनी चाहिए? इसमें शाजिया सुने, अगर आपके पार्लियामेंटेरियंस का करेक्टर ठीक नहीं है, उसको पॉइंट आउट करना चाहिए। मसलन अगर पार्लियामेंटेरियंस हैं या वहां के सेनेटर्स हैं, अगर वो अयान अली के केस में जिस तरह की चीजें चौधरी निसार अली खान ने बताई हैं, ये शॉकिंग है, ये कोई आम बात नहीं है, हो सकता है आम सी बात लगती हो कि चौधरी निसार अली खान साहब के पास पीपल्स पार्टी के सीनियर लोग जाते हैं और वो उनके साथ डील करना चाहते हैं, उनके साथ उनको ब्राइब करना चाहते हैं, बार्गेन करना चाहते हैं। बार्गेन क्या है कि डॉक्टर आसम हुसैन को छोड़ दें, अयान अली को छोड़ दें, ये वजीर दाखला के साथ मुजाकरात हो रहे हैं तो हमारी सुलह हो सकती है। इसका मतलब ये है कि पीपल्स पार्टी जो हमारा कॉन्फिडेंस है, जो वोटर्स का कॉन्फिडेंस है कि आपने पोजीशन करनी है, आपने कंप्रोमाइज नहीं करने, और वो जाके डील करना चाहते हैं दो चार लोगों के मफादात पीपल्स पार्टी की साख कितने मुतासर हो जाए। जफर हिलाली साहब, जो बात क्लासर साहब कर रहे हैं कि ये हुकूमत और अपोजिशन की लड़ाई जो है इनकी दोस्ती इनमें नहीं होनी चाहिए, मुल्की मफाद में होनी चाहिए, लेकिन हम जो तनकीद देख रहे हैं, जो आज चौधरी निसार की बातें देखें, आप हुकूमत को देखें, आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को देखें, जो वजारत दाखिला को वजीर आजम के आस्तीन का साम कह रहे हैं, क्या ये मुल्की मफाद में है ये बातें सारी? देखिए, मुझे बड़ा अच्छा लगा जो क्लासरा साहब ने कहा था, बड़ा अच्छा पॉइंट था उनका कि भाई ऑपोजिशन शुड अपोज, द जॉब ऑफ एन ऑपोजिशन इज टू अपोज, और अपोज करते रहें, और गवर्नमेंट जो है वो भी तनकीद करे अगेंस्ट द ऑपोजिशन। मगर ये कहना कि किस किस्म का तनकीद, एक्चुअल लेट्स बी फेयर, देखिए लॉयल ऑपोजिशन को इंटेलेक्चुअल डिफरेंसेस में, डिफरेंसेस ऑन पॉलिसी पे आप जरूर एक एक अटैक करें, बड़े स्ट्रांग अटैक्स करें, मगर ये तो डैमेजिंग टू द कैरेक्टर, ये तो गंद एंड फिल्थ है। ये कहना कि ये सही बात है कि ब्लैकमेल हो रहे हैं, और अयान अली वो किस किस्म की थी, आई मीन शी वाज अ मनी लॉन्डर, काउंटरफिटर, स्मगलर। अब स्मगलर के फेट पे आप एक दो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज के ये हो रहा है, दिस इज वेरी बैड, नंबर वन। दूसरी बात ये है कि निसार साहब ने तो खुद कहा है उनके तकरीर में, और बिल्कुल सही कहा था कि अचकजाई साहब को ऐसे बातें नहीं करने थे इस वक्त, और अचकजाई साहब बाय अटैकिंग
the intelligence agencies, उनका मोराल वीकन किया है, तो मैं ये पूछना चाहता हूं मुल्क का कैसा मोराल नहीं वीकन होगा अगर उन्होंने इस किस्म की गंद और फिल्थी चार्जेस इनके खिलाफ लगाए हैं। हिलाल से मुझे ब्रेक लेने दें, हिलाल से मैं ब्रेक के बाद वापस आती हूं, मेरे वक्त एक छोटे से ब्रेक का, वापस आते एक ब्रेक के बाद हमारे साथ। ब्रेक के बाद खुश आमद। जनरल साहब, एक तरफ वजीर आजम साहब अपोजिशन को, नाराज अपोजिशन को बनाकर वापस लेकर आते हैं, दूसरी तरफ खबरें आती हैं कि इसहाक डार साहब दुबई में आसिफ जरदारी से मुलाकात कर आए हैं, और एक तरफ वजीर दाखला जो हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर इस कदर शदीद तनकीद करते हैं, तो वजीर दाखला की अपनी पार्टी पॉलिसीज के खिलाफ चल रहे हैं। देखिए शाजिया, थैंक यू वेरी मच, आपने इनवाइट किया, आपके प्रोग्राम में आके हमेशा मुझे खुशी होती है, चूँकि इसमें क्लासरा साहब भी हैं और ज़फ़र हलाली साहब जो बड़ी दो टोक और खड़ी बातें करते। देखिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक तो मैं अप्रिशिएट करूँगा आपके आज के प्रोग्राम को, कि आपका जो इन एसेंस आप ये कहना चाहती हैं कि छोटी छोटी बातें जो आपने अपने इंट्रो में कहा, ज़ातियात की वजह से एक दूसरे से अटैक करने का वक्त नहीं है, मुल्क के ऊपर मुश्किल वक्त है, अंदरूनी और बैरूनी खतरात हैं, आज इंडिया में एक APC हुई है जिसमें नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पाकिस्तान को चाहिए कि वो बलूचिस्तान और POK यानी पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड कश्मीर में अट्रासिटीज़ को ख़त्म करे, और ये कि ये जो POK और आज़ाद उनका अपना कश्मीर और लद्दाख जो हैं वो हमारे इंटेग्रल पार्ट्स हैं, और इस तरह की ये चीज़ें हैं जो बड़े इश्यूज़ हैं जिनको हमें दिशा करना है। इस तरह अफ़गानिस्तान सिचुएशन है, तो आप इन एसेंस ये कहना चाहती हैं कि हमें इम्पोर्टेंट बातें करनी चाहिए। इसके ऊपर जो डिस्कशन हुई है वो बड़ी अच्छी है, क्लासरा साहब ने बिल्कुल राइट कहा कि देखे इख्तलाफात तो होना बड़ा ज़रूरी है, आप एक हकूमत में हैं तो अपोजिशन का हक है कि वो ना सिर्फ इख्तलाफ करे बल्कि हकूमत की अपनी एक शेडो पार्लियामेंट हो, शेडो प्राइम मिनिस्टर हो, शेडो इंटीरियर मिनिस्टर हो, और वो इसलाह की बात करके पब्लिक के सामने रखे कि ये तो बड़े ख़राब लोग हैं, इन्होंने तो ये गलतियाँ की हैं, हम अगर करेंगे तो ऐसे ऐसे करेंगे या इनको ऐसे ऐसे करना चाहिए, तो वो करना है। ये जो जाती बात है एक तरफ से या दूसरी तरफ से, बहुत सी चीज़ें जो TV पे कहीं भी नहीं जा सकती, ये अनफॉर्चुनेट हैं, लेकिन जो इख्तलाफ है वो बिगर इशू पे ज़रूर होना चाहिए, कभी भी स्पेयर ना करें। आपने कहा प्राइम मिनिस्टर ने जाके मनाया, तो ये पार्लियामानी आदाब के ऐन मुताबिक है, हम जब भी कोई उसमें होता है तो ये ट्रेडिशंस हैं, जब आप जाते हैं तो उनको ले आते हैं वापस, वो टोकन वॉकआउट कई दफ़ा होता है। और इसी तरह अगर इसहाक डार साहब पॉलिटिकल पार्टी की लीडरशिप से मिल रहे हैं तो ये कॉन्टैक्ट भी ठीक है, लेकिन जो ठीक नहीं होगा वो ये होगा कि हम किसी चीज़ पे कंप्रोमाइज़ करें। ये अयान अली का केस, जैसे चौधरी निसार साहब ने कहा कि इसके पीछे एक लॉबी है स्ट्रॉन्ग जो ये कह रही है, एक स्मगल करते हुए एक खातून जो पकड़ी गई है और उसको आप करते हैं, तो आप खुदा के लिए ना करें, जो भी कानून की गिरफ्त में आता है उसका ताल्लुक किसी पार्टी से भी है, किसी ख़ानदान से भी है, उसको कानून के कटहरे में आना है। अगर हमने पाकिस्तान को बेहतरी की तरफ लेके जाना है तो फिर कानून से ऊपर कोई बंदा नहीं है, तो इसलिए जब आप शीशे के घर में बैठ के तो पत्थर फेंकते हैं और किसी की ज़ात पर बात करेंगे कि इंटीरियर मिनिस्ट्री के जो है वो तो बांदरों की तरह इधर उधर पॉलिसी चेंज करती है, ये वो ये आस्तीन के सांप हैं, तो मेरे ख्याल में फिर एक सिटिंग मिनिस्टर का ये राइट बनता है कि वो अपनी पोजीशन कहे कि मैं क्यों एक बैड बॉय बनूं। लेकिन चौधरी निसार ने भी उसी ज़बान में जवाब दिया कि नहीं है, कम चौधरी निसार ने भी नहीं किया आज। मेरा मतलब है मैं देखें शाजिया, आपकी बात से एग्री करूंगा, मैं चौहान साहब को भी रिक्वेस्ट यही करूंगा कि बहुत सी बातों का जवाब देने की जरूरत भी नहीं होती, और अगर कोई इस तरह की ज़बान इस्तेमाल करे तो हमें बिल्कुल, और ख़ुसूसन जब हम हुकूमत के अंदर हैं, हमारे कंधों पे बहुत बड़ी रिस्पांसिबिलिटी है और हम बहुत ज़्यादा टॉलरेंस हमारे अंदर उसकी होनी ज़रूरी है जो भी हुकूमत में, और ये इंसान की अजमत की भी अलामत होती है कि आपके ऊपर जो वो करता है वो करे। तो लेकिन ये जो छोटी चीज़ें मेंशन हुई हैं जिसका क्लासर साहब ने भी जिक्र किया कि ये छोटी नहीं है, कि आप जब एक ऐसे लोगों की पुश्तपनाई करें कि जो क्राइम के अंदर मुलव्वस हों, तो ये तो आपको दूरी करनी चाहिए, उसके साथ नहीं चलना। लेकिन हैविंग सेड दैट, मैं ये कहूँगा कि आज पाकिस्तान के सारी पार्टियों के इकट्ठा होकर अफवाज पाकिस्तान के साथ मिलके ये एक बहुत बड़ा सानिया हुआ है बलूचिस्तान के अंदर। तो जब APS में बच्चों के ऊपर हमला हुआ था,
तो उस वक्त एक यकसुई का बहुत बड़ा मुजाहरा हुआ था। बिल्कुल। अभी अनफॉर्चुनेटली हम शॉक तो हैं पूरी नेशन, लेकिन हमने जैसे पार्लियामेंट में डायलॉग हुए या इसके बाद ये जो हमारी आपस के अंदर ये है, ये एक अच्छा इंप्रेशन नहीं है, और इसके अंदर हुकूमत की भी जिम्मेदारी है और अपोजिशन की। सही। ज़फर हिलाली साहब, आज चौधरी निसार ने जो खुद पर लगे इल्जामात का जवाब दिया और कहा कि पीपल्स पार्टी रहनुमाओं को कहा कि जो सरकर्दा कुछ उन्होंने जर्नलिस्ट का नाम लिया, कुछ सहाफियों का नाम लिया, कि उनकी मौजूदगी में मनाजरा करा लिया जाए और वो बिल्कुल ठीक फैसला करें कि कौन ठीक है तो कौन गलत है, तो क्या अब सहाफियों का ये काम रह गया कि सियासतदानों की जो आपस की लड़ाई है अब उनके भी फैसले करते जाएंगे लोग? ये क्लासा साहब को पूछना चाहिए, उनसे भी पूछती हूँ, आप भी बताएं। पॉइंट ये है मेरा पॉइंट ये है, बिल्कुल नहीं मेरा, देखिए मैं, आप यकीन करेंगी कि मुझे पता ही नहीं था कि चौधरी निसार के खिलाफ पीपीपी के लोगों ने क्या कहा, इसलिए कि मैं चाहता ही नहीं हूं ऐसी बात सुनना। मैं नेशनल डिबेट पे कंसंट्रेट कर रहा हूं। मैं, एक ट्रेजेडी हुआ है और इस ट्रेजेडी का कौन जिम्मेवार है और इससे फ्यूचर ट्रेजेडी से कैसे बैठे बचे, उस पे मेरा फिक्सेशन है, नेक्टा पे फिक्सेशन है। मैं जानना चाहता हूं कि $30 मिलियन बलूचिस्तान को दिया, 30 बिलियन रुपया बलूचिस्तान को दिया गया था सिर्फ टेररिज्म को कॉम्बैट करने के लिए, और आप यकीन नहीं करेंगी कि अगर मैं आपको कहूं के कुछ पैसे वापस करने पड़े कि उनके पास कैपेसिटी नहीं थी इस्तेमाल करने, 2 बिलियन रुपया मिला था सिर्फ क्वेटा के लिए, और फिर भी आप अगर देखें तो 200 सीसीटीवी कैमरास में सिर्फ 3 चल रहे थे। और शाजिया, ये जो अटैक हुआ है, दिस इज एग्जैक्टली लाइक द अटैक जो 18,000 वाले मारे गए थे। तो मैं इन चीजों पे ऊपर देख रहा हूं, मैं जानना चाहता हूं कि 2,10,000 लोग 19 एजेंसीज पे जो फेडरल गवर्नमेंट के तहत होते हैं, 2,10,000 लोग, 5-6 लाख फौज, ऑलमोस्ट 1 मिलियन एक्टिव पीपल, और हम अभी तक इस मसले को, क्वेटा को सेफगार्ड नहीं कर सके। मैं नहीं कहता पूरे पाकिस्तान को, वो 5-7 मील जो सरियाब रोड होता है क्वेटा को, उसको हम नहीं सेफ्टी अश्योर कर सके। तो मैं जानना चाहता हूं ये वजह क्या है। मैं नहीं सुनना चाहता शाजिया कि अयान अली क्या थी, शायद हो, अफसोस से कहना पड़ता है कि हर इल्जाम जो चौधरी निसार ने लगाया है शायद सच हो, मगर आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू नो दैट। मैं जानना चाहता हूं कि टेररिज्म, हम लोग सोच रहे हैं इट्स अ मिलिट्री फिनोमेना, इट इज नॉट। टेररिज्म एक सिविल फिनोमेना है, एक क्राइम है, मर्डर्स हो रहे हैं, मर्डर इज अ क्राइम, इसके खिलाफ शाजिया यू नीड द पुलिस। नेशनल इलेक्शन प्लान में सुस्त रवि का आखिर जिम्मेदार कौन? मुझे इस पर ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद इस पर आकर बात करेंगे। पहले क्लासेस साहब, जो मैंने सवाल हिलाली साहब से किया था कि क्या आप जो इन सियासतदानों की आपसी लड़ाई है, आप इसका हिस्सा बनना पसंद करेंगे? अगर मैं गलत नहीं हूं तो मुझे लगा कि चौधरी निसार साहब ने आपका भी क्लास, आपका भी नाम लिया क्लास साहब। जी, इस पे खैर उनकी मेहरबानी के उन्होंने इस काबिल समझा है कि इतना बड़ा एक अहम इशू है जिसमें अगर मैं या कुछ और जर्नलिस्ट जो हैं वो ज्यूरी के तौर पर बैठे हैं, इट शोज हिज कॉन्फिडेंस इन मीडिया एज वेल। जो उन्होंने नाम लिए हैं, और भी हैं अच्छे लोग हैं जिनको, जिनके नाम लिए जा सकते हैं। एक तो जो बात आपने की है मैं उसे एग्री करता हूँ कि मीडिया का काम एज कोई ज्यूरी, जज या हैंगमैन का नहीं होता कि वो बैठ के फैसले करे कौन सच्चा है या झूठा है। हमारा काम एक रिपोर्ट करना होता है, उसमें करते हैं। और चौधरी निसार अली खान की आपको पता है, वो मेरे और आमिर मतीन के खिलाफ भी कई दफा उन्होंने ये ब्लास्ट भी किया है, तनकीद भी करते रहते हैं, और हम इसको हमेशा गुड फेथ में लेते हैं कि उनका हक बनता है कि अगर हम उन पर कोई बात करते हैं, वो जवाब देना चाहते हैं, तो चौधरी निसार अली खान का भी उतना ही हक बनता है जितना मेरा या आपका किसी और का उन पर तनकीद करने का बनता है। इससे पहले अगर आपको याद होगा, चौधरी निसार अली खान ने जब इनका एतजाज एहसन के साथ इनका क्लैश हुआ था, वॉर ऑफ वर्ड्स हुई थी, चौधरी साहब ने उस वक्त भी कहा था जब उन पर इल्जाम लगाए थे एतजाज एहसन साहब ने, उन्होंने कहा जनाब एक जुडिशियल कमीशन बना लेते हैं। ये चौधरी साहब की पेशकश है प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उससे भी पीपल्स पार्टी भाग गई थी अगर आपको याद हो। तो चौधरी निसार अली खान जो है, वेदर वो लाइक हिम आर नॉट, मैं उनका सबसे बड़ा क्रिटिक भी रहा हूँ, बड़े उन पर हम तनकीद करते हैं, वो भी हमें अच्छी खासी हमारी क्लास ले लेते हैं, ऑन द रिकॉर्ड है, फेयर इनफ।
लेकिन कम से कम दो चार चीजों को चौधरी साली खान को एज है पीपल्स पार्टी में, जिसकी वजह से वो खड़े होकर दबंग तरीके से जब भी चाहते हैं वो पीपल्स पार्टी को फ्लोर पे उनकी आप कह सकते छित्रोल करते हैं या प्रेस कॉन्फ्रेंस में। वो साहब चौधरी निसार ने आज अयान अली के बारे में कुछ इनकशफात किए टिकट्स के हवाले से। आपने भी अपने 9 जून के प्रोग्राम में, अपना जो मुकाबल प्रोग्राम है उसमें भी आपने इसी हवाले से कुछ इनकशफात किए थे। मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद में आपके प्रोग्राम का वो जो है ना वो ऑन एयर करूंगी, उसके बाद आपसे बात करूंगी कि ये मुमासलत कैसी आपके और चौधरी निसार के इनकशफात में, एक छोटे से वक्त के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदीद, मैं अपने प्रोड्यूसर से कहूंगी रऊफ क्लासर साहब का 9 तारीख का जो प्रोग्राम है उसमें अयान अली के हवाले से कुछ बातें की थी, क्लासर साहब ने जरा वो प्ले कीजिए, फिर चौधरी निसार ने जो आज कहा फिर वो भी प्ले कीजिए प्लीज। कि ये पिछले दिनों जो रोला हमने डाला हुआ था अयान अली का, तो पता ये अगर चल जाए कि जहाँ से बिलावल भुट्टो साहब को टिकटें जारी होती थी वहीं से अयान अली को टिकटें भी जारी होती थी, ये लंबी कहानी है कि अगर कुछ साबित हो गया जो कि है कुछ कि जिस जगह से बिलावल भुट्टो की टिकटें कराची से अरेंज की जाती हैं वहीं से अयान अली की टिकटें भी अरेंज होती हैं, तो मेरा बिलावल जैसे क्लीन आदमी के लिए जहां सुल्ताना पड़ती थी वहीं सुल्तान पड़ता था, बस ये कर ले। ये रऊफ क्लासर साहब यहाँ हमें बताते रहे हैं कि बिलावल साहब की जिस अकाउंट से टिकटें खरीदी जाती हैं उसी अकाउंट से अयान अली की टिकटें भी इश्यू होती रही हैं, इसका कोई कनेक्शन है पीपल्स पार्टी से? अनवर मजीद साहब के अकाउंट से स्पेसिफाई कर देते हैं सर, FIA इन्वेस्टिगेशन भी कर रहे हैं। देखें जो ट्रैवलिंग एजेंट मेरा अगर कोई किसी से मैं देता हूं अकाउंट ले सकते हैं, अयान अली सारा पाकिस्तान ले सकता है। अयान अली की टिकटें मजीद साहब के अकाउंट से होती रही जो कि आसिफ जरदारी के दस्ते रास्त हैं, क्या आसिफ जरदारी साहब से अयान अली का कोई ताल्लुक कभी रहा है? एक खास अकाउंट से ए टिकट बिलावल भुट्टो के भी उसी अकाउंट से जाते हैं और अयान अली के भी उसी अकाउंट से जाते हैं, इसके पीछे क्या माजरा है? सो ऐसी बहुत सारी चीजें FIA के नोटिस में हैं, बल्कि रिकॉर्ड में हैं। क्लासर साहब ये बयानात में मुमासलत कैसी खबर तो पहले आप ब्रेक कर चुके थे, चौधरी निसार के मुंह से हमने आज ये सुना है कि एक ही अकाउंट से टिकटें जाती रही है। ये कोई इतनी ये इसको मुमासलियत आप मत कहें, रिपोर्टर्स होते हैं और भी बड़े रिपोर्टर हैं हमारे, बड़े अच्छे दोस्त हैं, अच्छी खबरें करते हैं, रिपोर्टर को खबरें मिल जाती होती हैं। मुझे भी मेरे सोर्स ने बताया था कि FIA जो है वो आके इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं अनवर मजीद के खिलाफ, और अनवर मजीद के खिलाफ कोई 20 बिलियन रुपए, मैं थोड़ी खुल के बात कर लेता हूँ क्योंकि चौधरी निसार साहब ने अब बात ये कन्फर्म कर दी है, तो उसके बाद अगर मेरा ख्याल है मेरी डिटेल बताने का कोई उसमें नुकसान नहीं है, जो मेरे सोर्सेज ने मुझे उस वक्त जून में ही बताया था कि बड़ा इंटरेस्टिंग एक ना इन्वेस्टिगेशन के दरमियान इंकशाफ हुआ, अनवर मजीद साहब के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, अनवर मजीद साहब पे कोई 20 बिलियन रुपीज की कोई आप कह सकते हैं कोई अमाउंट्स हैं जो उन्होंने आगे पीछे किए हैं, बैंक्स खोले, ट्रांसफर की लंबी डिटेल है, वो एक अलहदा इंक्वायरी है। और अनवर मजीद साहब अगर आपको याद हो तो जुल्फकार मिर्जा साहब ने उन पर बड़े सीरियस इल्जाम लगाए थे कि अनवर मजीद साहब कौन है, जरदारी साहब के फ्रंट मैन है, बड़े करीबी हैं, इवन शुगर मिल्स हैं, लैंड देन वो अनवर मजीद साहब करते हैं। FIA उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, 20 बिलियन रुपीज का लैंड देन, आगे पीछे ट्रांसफर अमाउंट्स वगैरह थी, और जब उन्होंने इन्वेस्टिगेशन आगे लेके बढ़े तो पता ये चला एक बैंक अकाउंट था अनवर मजीद का जहां से पेमेंट्स की गई थी ट्रेवल उनको एजेंट्स को, उसी में से बिलावल की टिकटें भी खरीदी गई, जो बिलावल ट्रेवल करते हैं आउट ऑफ पाकिस्तान जहां भी आना जाना हो वो उसी अकाउंट से पेमेंट्स हो रही थी। और अयान अली ने भी जितने सैर सपाटे किए हैं बरूने मुल्क, अगेन कुछ इन्वेस्टिगेशन हुई थी कहते थे 84 उनके फॉरेन विजिट से कुछ की आ रही थी कि 44 हैं, चाहे जितने भी थे 44 थे या 88 थे, वो सब की पेमेंट्स अनवर मजीद साहब के बैंक अकाउंट से हो रही थी, बिलावल को भी वहीं से टिकटें खरीद के दी जा रही थी, उनकी पेमेंट्स हो रही थी ट्रेवल एजेंट्स को, और अयान अली को भी जितनी टिकट्स खरीदी गई उसी अकाउंट से। तो जो आज चौधरी साली खान साहब कहना चाह रहे थे, बट आई गैदर फ्रॉम जो मुझे मेरी अंडरस्टैंडिंग हो रही है मुझे, कि वो ये कहना चाह रहे थे कि अयान अली आपका ही बंदा है, आपका कैरियर है, आपने उसको इस्तेमाल किया है, उसी के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग आपने की है, उसकी रीजन के अनवर मजीद का उस अयान अली से या उनका बिलावल भुट्टो से कॉमन एक तल्लुक निकल रहा है, तो इट मीन्स के पीपल्स पार्टी कर रही है। एक दूसरी चीज ये थी कि लतीफ खोसे पे जो उन्होंने अटैक किया है
कि खोसा साहब जो है वो इस लॉ मिनिस्टर तो नहीं थे, वो अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान रहे हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान रहे हैं, वो यहाँ पे एक मिनिस्टर आईटी के रहे हैं, गवर्नर पंजाब रहे हैं, बड़े उनका नाम उनका कहते हैं कि है, वो जाके अयान अली का सिविल कोर्ट्स में केस लड़ रहे हैं। सही। तो उसके बाद तो आपको लिंक समझ आने चाहिए। प्लस चौधरी निसार का ये कहना मेरे लिए ये बड़ा स्कैंडलस इंकशाफ है। पाकिस्तान के लोगों को नॉर्मल सी चीज है कि चौधरी निसार ये कह रहे हैं कि मेरे पास पीपल्स पार्टी के लोग गए थे ये कहने के लिए कि डील करें, डॉक्टर आसिम के जो एक्ट्स ऑफ अमिशन कमीशन है माफ कर दें, अयान अली को भी छोड़ दें। यही बात मैं जफर इलाही से पूछना चाह रही हूं। जफर इलाही साहब, चौधरी निसार के इस इंकशाफ के बाद आप समझते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक तो साख जो है ना वो बहुत ज्यादा मुतासर हुई है, और दूसरा अपोजिशन का काम डील्स करना तो नहीं है? देखिए ये सब बातें जो हो रहे हैं ये सब प्रॉबेबली सच हैं, ये सब सच हैं, ये सब चोर हैं। खासतौर अनवर मजीद साहब का रोल तो हम सब जानते हैं, जनरल साहब भी बैठे हुए हैं, उनको भी बड़ा अच्छा आइडिया है, इसलिए कि ये कोर्टियर होता था इन द कोर्ट ऑफ द भुट्टोज, और ये असल इस्तेमाल हुआ है जरदारी साहब से। और इनका जो घर है इस वक्त अनवर मजीद साहब का, वो भी मेरे ख्याल में नवाज शरीफ साहब के लड़कों के घर का कोई लगभग उतना ही वैल्यू है रीजेंट्स पार्क में जिधर वो ठहरे हुए हैं, और दो तीन गाड़ियाँ और मेजराटीज़ और फरारीज और मेबाक्स जो हैं, और पोश भी एक है। तो कहने की बात ये है कि मेरे ख्याल में जो लोग इनके साथ इर्द गिर्द रहे हैं उनको काफ़ी गुड आइडिया है कि ये लोग जो हैं ये बेपरवाह हैं कौम के पैसे दे, वो समझते हैं अपने आप को, और क्यों नहीं, अभी तक उनमें से एक भी जेल नहीं गया, जरदारी साहब अगर गए हैं उनके खिलाफ एक केस भी नहीं हुआ। तो ये सब बातें इनके बारे में मेरे ख्याल में सच हैं, मगर सो व्हाट, इनको तो कुछ होता ही नहीं है भाई। ठीक है, ठीक है जनरल साहब, क्या इस सारी तनकीद के बाद जो अपोजिशन ने मुस्लिम लीग नून पर की, हुकूमत ने की, चौधरी निसार ने बिल्कुल वैसी जबान में जवाब दिया, क्या इसके बाद भी मुफाहमत की कोई उम्मीद रखी जाए? देखें बात यह है कि मुफाहमत की का क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन यह है कि ये जो इल्जामात हैं या जिनका जिक्र अभी हम टीवी पे कर रहे हैं इसका जवाब पीपल पार्टी को देना चाहिए, उनकी क़यादत को देना चाहिए, उनके जो लोग की पर्सनस हैं उनको देना चाहिए, और अपने आप को सुरखरू करना चाहिए। और हुकूमत को चाहिए कि अगर इन चीज़ों के अंदर सदाकत है, जो अगर इंटीरियर मिनिस्टर खुद कह रहे हैं, तो इन चीज़ों को लीगली परसू करना चाहिए। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि बजाय इसके कि हमारी डिबेट का यहाँ हिस्सा बने, हाईलाइट हम ज़रूर कर सकते हैं कि कितना अनफॉर्चुनेट है कि हमारी कॉरिडोर्स ऑफ पावर के अंदर वो लोग जिन्होंने तीन तीन चार चार दफ़ा मुल्क की पूरी बागडोर हाथ में रखी, अगर उनकी पार्टी में इस तरह का ये है या किसी भी जमात के अंदर ऐसे है तो ये मुल्क के मफाद के अंदर नहीं है, इससे लोग डिसल्यूजन होते हैं। और अगर हमने पाकिस्तान को आगे लेके जाना है और एक इकनॉमिकली प्रॉस्परस पाकिस्तान बनाना है, गुड नेम अर्न करना है, अगर हमने पाकिस्तान को अपने बच्चों और उनके बच्चों के लिए एक बेहतरीन पाकिस्तान छोड़ के जाना है, तो इन चीज़ों को सिर्फ ब्लेम गेम की तक ना छोड़ें, हम इन चीज़ों के प्रूफ्स लेके अदालतों के अंदर लेके कैफरे किरदार तक ले जाएं, बहुत सी चीज़ें कही ना जाएं बल्कि की जाएं प्रैक्टिकली, और उन लोगों को पनिश हो ताकि एक इबरतनाक सज़ा मिले और ये लोग बैन हों पॉलिटिक्स के अंदर। आजकल तो ये होता है कि इल्ज़ाम लगा, आपकी जेली डिग्री है, उसके बाद फिर वो उधर है, आपके ये सरे महल हमारा नहीं है, फिर हमारा ही है, फिर ले लिया, फिर हम सब पाक साफ हैं, पायस हैं, हम करप्शन फ्री सोसाइटी की बात कर रहे हैं। $6 करोड़ का जिक्र आपको सबको पता है, प्रूव था, अकाउंट में था सब उसका, आगे से वो किधर गया, किधर ट्रेल है, यहाँ बहुत कुछ है, यानी ये चीज़ें सारी इसमें अब्दुल कयूम समेत हर बंदा अकाउंटेबल होना चाहिए, और हमें अपने अपने गरेबान में देख के अपनी तहारत करनी। पनामा लीक्स में भी हर कोई अकाउंटेबल होना चाहिए, इस लड़ाई में पनामा लीक्स कहीं गुम होकर ना रह जाए। जी बिल्कुल नहीं, ऑफ कोर्स पनामा लीक के ऊपर भी फॉर श्योर हर बंदे को अपनी सफाई देनी है, और यही प्राइम मिनिस्टर ने उस दिन हमारी पार्लियामानी पार्टी के अंदर कहा है, वो तो कोई बंदा भी बरा नहीं है ना। ये भी बड़ी डिसऑनेस्टी होगी कि मैं कहूंगा नहीं, जो हमारे ऊपर या हमारी जमात के किसी या उनके किसी फर्द पे ऊपर उसको छोड़ दो बाकी ने करो। मैं ये कहता हूं कि अगर हम सिंसियर हैं और हमें ये यकीन है कि ये जिंदगी एक बुलबुले की तरह है, वो कहते हैं ना कि अलामा इकबाल का इसके अंदर उन्होंने बड़ा ये कहा कि ये बड़ी मुख्तसर
जिंदगी है और इसको एक एक बुलबुले से ये ज्यादा नहीं है। और वो कहता है कि निगाह मौत पे रखता है मर्द दानिशमंद, हयात है शब तारीख में शरर के नमूद। इस छोटी जिंदगी के अंदर खुदा के लिए अपनी आखरत को संवारने की बात की जाए, बिल्कुल ठीक। ये छोटी बातों के बिल्कुल अंदर इस जबरदस्त बात के साथ मैं एक ब्रेक लेती हूँ नाज़रीन, वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद हमारे साथ। ब्रेक के बाद खुश आमदीद रऊफ क्लासर साहब, आर्मी चीफ का ये बयान कि ऑपरेशन ज़र्ब अज़ब नेशनल एक्शन प्लान पर सुस्त रवि से मुतासर हुआ, क्या ये मैसेज है हुकूमत के लिए कि हुकूमत वाकई नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद कराने में नाकाम रही? बड़ा सीरियस मैसेज दिया है आर्मी चीफ ने। यह मेरा ये ख्याल है कि अगर अब तक जितने भी आप उनको जनरल रहील शरीफ के पिछले उनका अब 2.5 साल का जितना भी उनका टाइम में देखें, अगर मुझसे एज ए उसके जर्नलिस्ट के तौर पर पूछें, मैं अगर बैठा हूँ किसी उस पर, तो मेरा ख्याल है ये बड़ा इंत सीरियस किस्म का एक चार्ज शीट है एक सिविल हुकूमत के खिलाफ, ये कहना कि आप लोग जो हैं आप इसको पूरे इसको प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे। जहाँ तक मेरी इतलात हैं कि जो एस्टेब्लिशमेंट है, जो आर्मी है, वो 2-4 चीज़ों की वजह से अपसेट है। एक तो ये था कि जो IDPs का मसला था कि IDPs के मामले पर आर्मी बड़ी सीरियस थी कि आप इनके लिए फंड्स दें, इनके रिहेबिलिटेशन हमने वहाँ पे कोई घर वगैरह बनाने हैं, इनको कोई पैसे देने हैं, ये वापस जाएं ताकि वो सिविलियन आबादी की तरफ ना आए। कितना अरसा तक आप उनको होल्ड पे रख सकते हैं कि वो बेचारे अपने बच्चों के साथ कैंप्स में रहें? मैंने नेक्टा का कहा कि नेक्टा को फंड्स नहीं दिए गए। मेरा ये जाती तौर पर ख्याल है, एहसान गनी साहब अच्छे बंदे होंगे, मैं उनको जाती तौर पर नहीं जानता, उन पर मैं कोई क्वेश्चन रेज नहीं करना चाहता, लेकिन मेरा ख्याल है नेक्टा जो था, जिस तरह का नेशनल एक्शन प्लान था, ये एक बंदे के बस की बात नहीं थी। इन्हें चाहिए था कि तारिक खोसा हैं, उसके बाद शोएब सडल हैं, आपके पास तारिक परवेज हैं, ये वो लोग हैं जो आपकी बड़ा अरसा पुलिस में काम किया है, FIA में किया है, इनका नाम है, इंटरनेशनल लेवल की रिप्यूट है, आप इनको एक्टिवेट करें, आप इनके हवाले करते नेशनल एक्शन प्लान, नेक्टा में इनको लेके आते, छोटा सा इनका बोर्ड बना लेते कि आप 3-4 सीनियर लोग हैं, रिटायर हो गए, लेकिन आपकी खिदमत की हमें जरूरत है, इस मुल्क को जरूरत है, उनको पैसे देते या आपको ठीक कर देते। ये 3-4 नाम जो मैं ले रहा हूँ, उसके शोएब सडल के, तारिक खोसा के, तारिक परवेज के, इवन कलीम इमाम जैसे लोग हैं जिनकी बड़ी अच्छी रेपुटेशन है, आप ऐसे लोगों को एक्टिव करते, वो आपने नहीं किया चौधरी निसार अली खान साहब के मदद के साथ, ये उनकी फेलियर है या उनको वजीर आजम ने नहीं करने दिया, किसने नहीं करने दिया? ठीक है, दूसरा कोऑर्डिनेशन होनी थी इनकी सीक्रेट एजेंसीज की, सीक्रेट एजेंसीज की कोऑर्डिनेशन नजर नहीं आती। अभी भी वो आपको रिपोर्ट्स आते हैं कि सिविल एजेंसी और मिलिट्री एजेंसीज की शायद आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है, ऑपोजिशन भी जिम्मेदारी एजेंसीज पर डाल रही है। लास्टली आपके सूबे, आपके सूबों की और आपके मरकज की कोऑर्डिनेशन नहीं है। अब शहबाज शरीफ साहब बिल्कुल अलाउ नहीं करते कि चौधरी निसार अली खान साहब वहां पे आके कोई तो इंटरफेरेंस करें। आपके वहां सिंध में तो वैसे हुकूमत पीपल्स पार्टी की है, KPK में डिफरेंट हुकूमत। सो चौधरी निसार अली खान जब ये कहते हैं कि मेरा दारा इख्तियार जो है वो इस्लामाबाद का 25 किलोमीटर है, तो टेक्निकली वो ठीक कह रहे हैं, वो मतलब उन पर तनकीद हो सकती है, लेकिन टेक्निकली वो सिर्फ इस्लामाबाद की हद तक वजीर है, रेंजर्स उनके पास, FC है, तो ये चीजें हैं, बाकी ज्यादा पावर्स नहीं है उनके पास। ज्यादा है क्या वजारत दाखिला वाकई नाकाम होगी नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद कराने से? काफ़ी हद तक तो नाकाम है। मैं तो सिर्फ ये सोचता हूँ कि आर्मी चीफ ने कमाल किया है पाकिस्तान के ये 2-3 साल में, जब भी फ़ौज ने जो काम किया है सब लोग उसको मानते हैं, मगर काश के आर्मी चीफ एक और चीज़ करते। मेरे ख्याल में ये नेक्टा वेक्टा चलिए ठीक है, अच्छी बात है, सही कह रहे हैं क्लासरा साहब, अगर ये अच्छा प्लान देते और दे सकते थे अगर उनके पास पैसे, फैसिलिटीज़ और स्टाफ होता। अभी तक तो उनका स्टाफ नहीं रिक्रूट हुआ है पूरे तरीके से, एक बिल्डिंग भी नहीं मिली है उनको परमानेंटली। मेरे ख्याल में सबसे बड़ा काम जो इस मुल्क में होना है वो है एन इफेक्टिव पुलिस फोर्स। शाजिया, टेररिज्म कमिट्स मर्डर, मर्डर इज अ क्राइम, और क्राइम का सॉल्व करने का इंस्टीट्यूशन फौज नहीं है, वो है पुलिस। और जब तक आप पुलिस को ठीक नहीं करेंगे और इंटेलिजेंस ठीक नहीं करेंगे, आप जितने भी जाके पहाड़ों में बैटल्स लड़ें और उनको शिकस्त दें और F-16s के साथ उनको
पिन पॉइंट बॉम्बिंग करें शाजिया अंटिल यू फिनिश देम इन द सिटीज बाय गुड इंटेलिजेंस गुड पुलिसिंग। और वो पुलिस का काम बड़े आसानी से हो सकता है अगर आप एक फैसला कर लें कि हम रिक्रूट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट, हम प्रमोट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट, हम ऐसे लोगों को लाएंगे जो ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट, ये सब नाम जो इन्होंने लिया है उनको भी शरीक कर दें। भाई खुदा के लिए आके ये चार सूबों में ऐसा पुलिस फोर्स और इंटेलिजेंस बनाएं जो ये चोर पकड़े जाएं और उनके हम फिर सांस ले और कहें कि हाँ ये हो रहा है। जनरल साहब, क्या हुकूमत इसे अपनी नाकामी को इसको एडमिट करती है? आज तो क्लियरली आर्मी चीफ ने भी मैसेज दे दिया। जो आज की मीटिंग में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने जो कहा कि नेक्टा के कुछ पॉइंट्स के ऊपर काम ठीक नहीं हुआ जिससे सफ़र किया हमारी जो वार ऑन टेरर है, तो ये वही बात है जो कि दो दिन पहले प्राइम मिनिस्टर ने जो मीटिंग शेयर की तो उसमें भी ये चीज़ आइडेंटिफाई की। अभी क्या नहीं हुआ, देखें बात ये है कि इसमें मदारिस की रजिस्ट्रेशन को उन्होंने बताया, टेररिस्ट की फंडिंग के ऊपर पूरी एफर्ट हुई है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स रुपीज़ जो हैं वो कन्फिस्केट हुए हैं, बट येट बहुत कुछ होना है। मसलन फाटा के अंदर रिफॉर्म्स के ऊपर काम तो हो रहा है लेकिन पार्लियामेंट से अभी उसको फाइनली उसको लीगल शक्ल मिलनी है, इसने ज़्यादा टाइम लिया है, और इसी तरह की और कई चीज़ें हैं जो, लेकिन बहुत सी चीज़ें हुई भी हैं। 182 मदारिस को इन्होंने ख़त्म किया है, और अगर ये आपका नेशनल एक्शन प्लान कामयाब ना होता तो आपकी ये जो इम्प्रूवमेंट हुई है कराची में या बलूचिस्तान में या जो आपका एरिया क्लियर हुआ है नॉर्थ वजीरिस्तान वगैरह का, ये ना होता। ये मेजर इश्यूज थे, मेजर पॉइंट्स थे नेशनल एक्शन प्लान के, लेकिन जिनके ऊपर नहीं हुआ, कोऑर्डिनेटेड इंटेलिजेंस की बात है, नेक्टा के ऊपर डिले हुआ, फाइनेंसिंग के अंदर है, वो ये हम सब तस्लीम करते हैं। और आई एम श्योर कि हुकूमत को भी ये वीक एरियाज पता है और प्राइम मिनिस्टर ने आइडेंटिफाई किया, इन पर ओवरकम करना बहुत जरूरी है, सिर्फ पता होना काफी नहीं है, गलती है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया जनरल साहब हमारे साथ है, जनरल अब्दुल कयूम साहब, रऊफ क्लासर साहब, इन तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है, नाइट एडिशन से शाजिया ज़ीशान को इजाजत दीजिए, आपसे मुलाकात होगी कल। अल्लाह हाफ़िज़।